फरवरी माह में 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, आज जो हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वह रोमन कैलेंडर पर आधारित है। पुराने रोमन कैलेंडर में महीनों की शुरुआत मार्च माह से होती थी और पूरे वर्ष 304 दिन का होता था और वर्ष में 10 माह होते थे। और बाद में इस कैलेंडर में सुधार हुआ और 2 महीने जनवरी और फरवरी को जोड़ दिया गया और यह 12 माह 355 दिन हो गए। लेकिन यह कैलेंडर भी सही साबित नहीं हुआ। कुछ त्यौहार इस कैलेंडर के अनुसार सही समय पर नहीं आए तो इस कैलेंडर में फिर से सुधार किया गया। इन्हीं त्योहारों की तारीख सही करने के लिए फरवरी माह से 2 दिन कम किए गए और वर्ष में 365 दिन हो गए। यह कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और प्रत्येक वर्ष 6 घंटे बच जाते हैं और यही 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे यानी 1 दिन बना लेते हैं। इन्हें फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि फरवरी माह में 28 या 29 दिन ही होते हैं।